चार्टर्ड चैंप्स, कैसे हैं आप लोग? गाइस, अब आपकी आईपीसीसी क्लासेस ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है और आपके एग्जाम में केवल 3.5 मंथ्स रह गए हैं गाइस, केवल 3.5। तो क्या आपने सोचा है कि आप रिवाइज कैसे करेंगे? क्या आपने टारगेट सेट करे हैं? और क्या आपने अपने हर सब्जेक्ट को मार्क्स अलॉट करे हैं? अगर नहीं करे हैं तो गाइस, अब टाइम आ गया है अपने को ये टारगेट सेट करने का, और इस वीडियो में अपन इन सब बातों पे बात करेंगे और अपने टारगेट सेट करेंगे, और इस वीडियो में अपन दोनों ग्रुप का ब्रीफ ओवरव्यू भी लेंगे। नाउ ओवर टू ध्रुव। गाइस, ग्रुप वन की अगर हम बात करें तो इसमें चार सब्जेक्ट्स हैं, अकाउंट्स, लॉ, कॉस्ट एफएम और टैक्स। हम इन चारों में टारगेट कैसे सेट करेंगे, आइए बात करते हैं। हम इन चारों सब्जेक्ट में से कोई भी दो सब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे और उनमें बहुत हार्ड टारगेट सेट करेंगे और उसकी प्रिपरेशन भी उसी अकॉर्डिंग करेंगे। बाकी दोनों सब्जेक्ट्स में हम कंपेरेटिवली लो टारगेट सेट करेंगे। गाइस प्लीज़ नोट कि मैंने ये नहीं बोला है कि हम दो सब्जेक्ट में तो पढ़ाई नहीं करेंगे और बाकी दोनों में पढ़ लेंगे। मैंने ये बोला है कि हम एक्सपेक्टेशन दो सब्जेक्ट्स में अच्छी रखेंगे कंपेयर टू दी अदर टू। तो गाइस, वो सब्जेक्ट्स कौन से होंगे जिसमें हम अच्छे टारगेट सेट करने वाले हैं? एज़ पर माय ओपिनियन, एक सब्जेक्ट तो होना चाहिए अकाउंट्स। क्यों अकाउंट्स? क्योंकि ये सब्जेक्ट जो है हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हमारा इसमें बेस क्लियर है। हम लॉ, कॉस्ट एफएम या टैक्स से सब्जेक्ट कंपेयर करें तो हमें समझ भी जल्दी आता है, ये हमारा बेस भी क्लियर है और ये स्कोरिंग भी टॉपिक है। तो एक सब्जेक्ट हो जाएगा अकाउंट, जिसमें हम बहुत अच्छे मार्क्स का टारगेट सेट करेंगे और बहुत अच्छे मार्क्स की उम्मीद करेंगे। दूसरा सब्जेक्ट कौन सा होगा? गाइस, इट टोटली एंड टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि दूसरा सब्जेक्ट कौन सा होगा, क्योंकि जिस सब्जेक्ट में आपने ग्रेस्प बनाई है, जिस सब्जेक्ट में आपकी अंडरस्टैंडिंग अभी तक बहुत अच्छी हो चुकी है, आप उसमें बहुत हाई टारगेट सेट कर सकते हैं। गाइस, मई 17 में मुझे भी एग्जाम्स देने हैं, इसलिए मैंने अकाउंट्स और लॉ सेलेक्ट कर लिए हैं, क्योंकि कॉस्ट एफएम और टैक्स मुझे डिफिकल्ट लगते हैं और मुझे थोड़े लेंदी भी लगते हैं, इसलिए मैंने तो अकाउंट्स वाला सेलेक्ट कर लिए हैं। ये हो गई फर्स्ट ग्रुप की बात है। नाउ ओवर टू आरुष, वो आपको बताएगा सेकंड ग्रुप के बारे में। गाइस, अब बारी आती है ग्रुप टू की। ग्रुप टू में केवल 3 सब्जेक्ट्स है गाइस, एडवांस अकाउंट्स, ऑडिट एंड ITSM। ये तीनों सब्जेक्ट ओवरऑल बहुत ही ज़्यादा ईजी हैं, लेकिन ये ईजी जब ही बनेंगे जब अपन इनसे स्मार्टली डील करेंगे। गाइस, इसमें मेन प्रॉब्लम आती है टाइम मैनेजमेंट की, जो कि अपन ढंग से नहीं कर पाते। और गाइस, पहले मैं आपको मेरी बात बता दूं कि मैंने क्या किया था। मैंने सेकंड ग्रुप में ये किया था, इन तीनों सब्जेक्ट को बराबर 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 टाइम दे दिया था। उससे क्या हो रहा था, मैं स्कोर तो कर पा रहा था लेकिन केवल एवरेज मार्क्स, और उससे एवरेज मार्क्स से ये ग्रुप नहीं क्लियर हो सकता। अपने को किसी भी एक सब्जेक्ट में एग्जामिनेशन जरूर लानी पड़ेगी गाइस, जरूर लानी पड़ेगी, और उसके लिए अपने को अपना एक सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनाना पड़ेगा गाइस। एज़ पर माई ओपिनियन, अगर आप प्रैक्टिकल में स्ट्रांग हो तो आपको एडवांस अकाउंट्स में मेहनत करनी चाहिए। और गाइज, एडवांस अकाउंट्स में 70-80 नंबर स्कोर करना बहुत ही ज़्यादा ईजी है। और अगर गाइज आप थ्योरी में स्ट्रांग हो तो आपको ऑडिट पे वर्क करना चाहिए। और गाइज, ऑडिट पे वर्क करने का मतलब है कि आपको रिटर्न प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एंड गाइज, मैंने ITSM के लिए इसलिए नहीं बोला है क्योंकि वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे अपने को रटना पड़ेगा। सो गाइज, अब अपने को एक बात तो क्लियर हो गई है कि अपने को ऑडिट या फिर एडवांस अकाउंट्स में से एक सब्जेक्ट को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग बनाना है और उस पर एक अच्छा टारगेट सेट करना है, जिससे अपना सेकेंड ग्रुप का एग्रीगेट आराम से बन सके। ओके गाइज, मेरी सेकेंड ग्रुप की बात खत्म होती है। नाउ ओवर टू ध्रुव फॉर बोथ ग्रुप्स। गाइज, हमने फर्स्ट ग्रुप की इंडिविजुअली बात कर ली और सेकेंड ग्रुप की भी इंडिविजुअली बात कर ली, अब बात करते हैं बोथ ग्रुप्स की। तो इट्स अ वेरी सिंपल थिंग कि हम बोथ ग्रुप्स में 3 सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे जिनमें हम हाई प्रायोरिटी सेट करेंगे कंपेयर टू दी अदर 4 सब्जेक्ट्स। 2 सब्जेक्ट्स फर्स्ट ग्रुप में से और 1 सब्जेक्ट सेकेंड ग्रुप में से। तो 3 सब्जेक्ट्स आप सिलेक्ट कीजिए और उनमें बहुत अच्छे टारगेट सेट कीजिए, और बाकी 4 सब्जेक्ट में थोड़े लेस टारगेट सेट कीजिए। सो चैम्स, आज अपन ने जो भी बातें करी है वो एक एवरेज स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से करी है, एंड दिस इज आवर ओपिनियन। आप अपनी पढ़ाई अपने हिसाब से कीजिए, लेकिन टारगेट जरूर सेट कीजिए। मैं कहता हूँ कि जब हम हमारे टारगेट सेट करेंगे तो हमारे कंफर्ट जोन से बाहर जाके हमें वो टारगेट सेट करने हैं। पुश योर लिमिट्स गाइज, पुश योर लिमिट्स। इफ एवरीबॉडी कैन डू इट, इफ माई फ्रेंड्स कैन डू इट, इफ द पीपल बिहाइंड द कैमरा हु आर करेंटली लाफिंग एट मी बिकॉज आई एम सेइंग ऑल दीज थिंग्स, इफ दे कैन डू इट देन वी कैन ऑल्सो डू इट। मई में हम एग्जाम्स देंगे और ITSM में हम बहुत अच्छे मार्क्स लाके पास होंगे। ओके गाइज, अब हमें एक चीज़ करनी है, बातें कम काम ज़्यादा, टारगेट सेट करो और शुरू हो जाओ। थैंक यू गाइज।